कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग मिलने के बाद भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी बीच ग्वालियर से भी दो युवकों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना से संक्रमित युवकों में एक खजुराहो से तो दूसरा दुबई से आया था। दोनों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दोनों युवकों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके बाद ग्वालियर में भी कर्फ्यू लगाया गया है। ग्वालियर में दो मरीजों की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सीएमएचओ के मुताबिक ग्वालियर के चेतकपुरी इलाके में रहने वाला युवक खजुराहो से वापस लौटा था, जिसके बाद उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं, जिसके बाद उसे मुरार जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसके ब्लड सैंपल डीआरडीओ भेजे गए, जहां उसकी जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया है। फिलहाल इसे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं दुबई से लौटे शिवपुरी के युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसका इलाज भी शिवपुरी जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है, दोनों मरीजों की जांच रिपोर्ट बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आई है, लिहाजा एक बार फिर उनकी ब्लड सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। ग्वालियर में 9 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट और आना बाकी है। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में, शनिवार को भर्ती हुआ था। उसका सैंपल गया था, डीआरडी भेजा था पहला सैंपल, वो बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आया हुआ है। अभी मुरार में भर्ती में मरीज तो एक शिवपुरी से आया था, मरीज एक भर्ती शिवपुरी में, वहाँ का सैंपल था और एक हमारा सैंपल, दोनों ही बॉर्डर लाइन पॉजिटिव पाए गए। अभी एक पेशेंट जो है कोरोना का मिला है, जो चेतकपुरी में रहता था, वैसे मूलतः वो इलाहाबाद का प्रयागराज का रहने वाला है। तो अभी एक पेशेंट मिला है, तो अब हम लोग जो है उसके कांटेक्ट ट्रैक करा रहे हैं कि किनके संपर्क में आए हैं, और उनको भी हम होम क्वारंटाइन करेंगे। मेरा आग्रह, सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षा और सावधानी बरतें। अभी ग्वालियर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहीं पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों के भीतर रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।